लोगों का जो हड़ताल है उसको आप देख रहे हैं, मद्देनजर रखते हुए ये जो 1200 रुपये इनको दिया जा रहा है उनसे आप क्या अपेक्षा करते हैं कि इनके वेतन में और वृद्धि किया जाए? आज पूरे छत्तीसगढ़ में रसोई संघ द्वारा अपनी 8 सूत्री मांगों को लेकर के धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ के समस्त विकास खंडों में जा कर के मध्यान्ह भोजन संघ के इस आंदोलन को समर्थन देने के लिए हमारे कांग्रेस कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं। आज जो है रोजगार गारंटी योजना में काम करने वाले एक व्यक्ति को 172 रुपये का रोजी मिलता है, जो मेट का काम करता है उसको क्या कहने से 200 रुपये का रोजी मिलता है, और जो कलेक्टर दर पर जो काम करते हैं उनको भी 255 रुपये का रोजी मिलता है। ऐसी स्थिति में मध्यान्ह भोजन के पदाधिकारियों को 40 रुपये रोजी दिया जाना न्याय संगत नहीं है। आज ये 1995 से लगातार काम कर रहे हैं और इनको मात्र मासिक वेतन के रूप में कहना चाहिए 1200 रुपये मिलता है। वहीं जो 2 साल पहले स्वास्थ्य और कहना चाहिए चिकित्सा सेवा के क्षेत्र में जो सफाई कर्मचारी हैं उनको जो है 1900 रुपये वेतन दिया जा रहा है। इस तरह देखें तो इनको जो वर्तमान समय में जो राशि दिया जा रहा है वो बहुत ही कम है, यह न्यायसंगत नहीं है। न्यायालय ने भी इस बात को माना है कि समान वेतन समान काम होना चाहिए, और यह जो इनको जो राशि दिया जा रहा है वो श्रम कानून के खिलाफ है। आज मैं खुद जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से महामंत्री के रूप में यहाँ अपने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ में इनके आंदोलन को गति देने के लिए, इनके आंदोलन को समर्थन देने के लिए आया हुआ हूँ।